हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम देख रहे थे इम्पॉर्टेंट बुक्स और उसके राइटर का नाम। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स थे और राइटर थे उनको बताया था, और ये सेकंड पार्ट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। ये स्पेशली UPBCS जिनको देना है, UPRO ARO जिसको देना है उसको मुख्य रूप से टारगेटेड है ये। इसके अलावा स्टेट पीसेस में, किसी भी स्टेट पीसेस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है। चाहे MP हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो समय का सदुपयोग करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो है, जो पहली पुस्तक है वो है द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग जो है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये सरोजनी नायडू की है। सरोजनी नायडू ने लिखा है पुस्तक द ब्रोकन विंग। अगली जो बुक है कैप्टिव लेडी, सॉरी कैप्टिव लेडी जो है वो माइकल मधुसूदन दत्त की पुस्तक है। फिर है गोरा, ये पुस्तक जो है कई बार पूछा गया है। इसके जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि, इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गीतांजलि बुक भी है, जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी पूछा है कि इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इसके लिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये बुक जो है वो प्रकाशित कब हुई थी, तो 1912 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, 1912 में। अगली जो पुस्तक है वो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो लेखक हैं वो राम मनोहर लोहिया जी हैं। अगली पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये जो पुस्तक है मोहनदास करमचंद गांधी की है, जिनको आप इन जनरल महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और अगली जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये भी पूछा जाता है कि मूल रूप से इसको किस भाषा में लिखा था महात्मा गांधी ने, तो गुजराती भाषा में लिखा था इन्होंने इसको। अगली जो पुस्तक है वो है टेररिस्ट। टेररिस्ट पुस्तक के लेखक हैं दिलीप मुखर्जी। बहुविवाह, बहुविवाह पुस्तक के राइटर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगली जो पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण, जो कि जो आप जानते हैं ना, नील विद्रोह हुआ था, नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय किसानों से, तो उसी पे आधारित है, जिसके जो लेखक हैं वो है दीनबंधु मित्र। अगली पुस्तक है चंद्रकांता, और इसके जो राइटर हैं वो हैं देवकीनंद खत्री। अगली जो पुस्तक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ये पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। अगली पुस्तक है मदर इंडिया। मदर इंडिया जो है काफ़ी बार पूछा गया है, इसके लेखक हैं कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कैथरीन मेयो। अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर इसके राइटर हैं। ये भी कभी कभी पूछा गया है, पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक हैं V.D. सावरकर। और ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को माना जाता है उस पर लिखा गया है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं V.D. सावरकर। साधना पुस्तक, साधना पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगली पुस्तक है गोल्डन थ्रेश होल्ड। गोल्डन थ्रेश होल्ड जो पुस्तक है उसकी लेखिका है सरोजिनी नायडू। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो अगली पुस्तक है वो है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। इंपॉर्टेंट है ये भी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है ना। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक को बिपिन चंद्र ने लिखा है, और UPSC के बच्चे इनकी एक पुस्तक को आज भी पढ़ते हैं। अगली जो पुस्तक है वो कह रही है इंडियन इकोनॉमिक थाट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव, तो ये वीरेंद्रनाथ है V.N. गांगुली की पुस्तक है, इंडियन इकोनॉमिक थाट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव। अगली जो बुक है वो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, तो ये R.C. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। फिर जो अगली पुस्तक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है।
देखिए मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट बुक्स ले लिए हैं जो अब तक पूछे गए हैं, और आप इतना पढ़ लेते हैं, दोनों भाग कवर कर लेते हैं, तो आप जो भी बुक वाला क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जो बुक है वो है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, ये जो पुस्तक है WH Sliman की है। अगली पुस्तक है लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये पुस्तक है गुरमुख निहाल सिंह की। देखिए कुछ बुक ऐसे हैं जो आपको हो सकते हैं आसान ना लगें या सुने हुए ना लगें, पर देखिए आसान आप पढ़ते हैं तो उसमें 10% में एक दो तो आपको थोड़ा टफ मिलेगा ही, इसी से आप तैयारी में आगे निकलते हैं बाकियों से, तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। अगला जो क्वेश्चन है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, है ना, ये कई बार पूछा है। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं WA Fair Service। द प्राउडेस्ट डे, ये भी काफ़ी पूछा गया है। द प्राउडेस्ट डे जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एंथनी रीड तथा डेविड फिशर। और ये भी पूछा है कि ये पुस्तक किस पे आधारित है, भारत के विभाजन पे या भारत के जो 1857 की क्रांति है उस पे या किस पे। तो द प्राउडेस्ट डे जो है वो भारत की स्वतंत्रता पे लिखी गई किताब है, जब भारत आज़ाद हुआ था वो डे बहुत ही प्राउड का दिन था, इसलिए ये बुक लिखी गई। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये पंडित रविशंकर जी की पुस्तक है, माई म्यूजिक माई लाइफ। दी अल्फ़ाबेट, ये भी आप देख लें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेविड डेरिंजर की पुस्तक है दी अल्फ़ाबेट, पूछा है प्रीवियस ईयर में इसलिए मैंने ले लिया इसको, है ना, क्योंकि नया क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं, जो कुछ नया रहेगा तो उसको वो दे देते हैं वहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है मालगुडी डेज, है ना, ये भी कई टाइम पूछा गया है, मेनी टाइम, RK नारायणन की बुक है ये। अगला जो बुक है वो है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, और ये पुस्तक है महेंद्र कुल श्रेष्ठ की। घर और अदालत, घर और अदालत पुस्तक है लीला सेठ की। इमेजिंग इंडिया पुस्तक है नंदन नील केड़ी की, ये पुस्तक मैंने खरीदी भी है, दिल्ली से ली थी, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है सोजे वतन जो पुस्तक है वो प्रेमचंद जी की लिखी हुई किताब है। अगली बुक है दी गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक हैं विनोद मेहता। लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विनोद मेहता। आई होप कि आपको याद भी होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये बुक है सी ऑफ पापीज, यानी पापियों का जो समुद्र हिंदी में कहें तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष की पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत ही फेमस है, ये नहीं याद है तो कुछ नहीं याद है। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है अमर्त्य सेन की पुस्तक है, और इनकी एक और पुस्तक है दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, है ना, तो ये पुस्तक भी याद कर लें, पूछा जा चुका है। तब काते नाशरी, ये कई बार पूछा है, इसको देखिए शॉर्टकट में ये जो नाम होता है वो मिनहास सिराज लिखा होता है ना, लेकिन इनका पूरा नाम है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ही आता है। अगला क्वेश्चन है तारीख़ फिरोज़शाही जो किताब है वो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। कंकाल पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। काजर की कोठरी पुस्तक के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अंधायुग पुस्तक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली पुस्तक है तबकाते अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन। तारीख़ यामिनी के लेखक हैं अल उत्बी। इन ए फ्री स्टेट इसके लेखक हैं VS नायपाल। लिविंग हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखिका हैं वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हैं। अगली पुस्तक है शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद जी का है, सभी जानते होंगे। देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की भी बुक है, और ये सारे पूछे गए हैं, इसलिए कुछ बुक ऐसे हैं जो आपको लग रहा हो कि ठीक है ये बुक इसमें क्यों है, लेकिन ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएंगे और बुक्स एंड राइटर वाले लिस्ट में भी मिल जाते हैं। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, सभी जानते होंगे इसको। गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव की है, और जो देवदास पुस्तक है वो शरत चंद्र चटर्जी की है, इस पर मूवी भी बन चुकी है, आप में से कईयों ने देखा भी होगा इसको।
अगली पुस्तक है अमृत और विष। तो इसके देखिए लेखक जो है ना वो अमृत लाल नागर है। इसमें अमृत और विष, अमृत लिखा भी है, अमृत लाल नागर इसके क्या है राइटर है। वैगार्ड, वैगार्ड पत्रिका जो है ये MN राय की है, इनसे संबंधित है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है रचना है। भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की है। साथ ही कुछ और ये जो रचनाएं हैं ये भी मैथिली शरण गुप्त की हैं, जैसे कि यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध और पंचवटी। अगली पुस्तक है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये पुस्तक लगभग सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है रचना है। अगला जो बुक है वो है प्रिजन डायरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण जी की है। और साथ ही एक और बुक है जो आप पढ़ चुके हैं, टूवर्ड्स स्ट्रगल है ना। तो एक था इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस का था, और एक था टूवर्ड्स स्ट्रगल जिसको एक बार हिंदी में पूछ लिया संघर्ष की ओर, तो क्या होगा कई लोग कन्फ्यूज हो गए। तो संघर्ष की ओर, टूवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, जयप्रकाश नारायण की ही है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये जो पुस्तक है ये बिपिन चंद्र की है। देखिए ये सारी बुक्स आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर से नहीं आएगा बुक, सारा बुक इसमें से आ जाएगा आप पढ़ के जाते हैं तो। और इसमें देखते हैं अगली बुक है नेमसेक, नेमसेक जो बुक है वो झुंपा लाहिड़ी की है। साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन की है। द सिटैनिक वर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है सलमान रुश्दी की, सलमान रुश्दी की सभी किताबें लगभग इंपॉर्टेंट हैं। 2 Years 8 Months and 28 Nights ये भी सलमान रुश्दी की किताब है, 2 Years 8 Months and 28 Nights। जो अगली पुस्तक है द रोड अहेड जो पुस्तक है ये विल गेट्स की है। रोमांसिंग विद लाइफ ये देवानंद की किताब है, रोमांसिंग विद लाइफ। द स्ट्रगल इज माय लाइफ नेल्सन मंडेला की बुक है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल भी किया है। प्राइस ऑफ पार्टीशन यानी जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का उसका क्या मूल्य है, ये जो पुस्तक है वो रफ़ीक जकारिया की है। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया। इंडिया 2020 ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बुक है, और इनकी सारी बुकें इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विंग्स ऑफ फायर हो, अग्नि की उड़ान हो, इग्नाइटेड माइंड्स हो, है ना, सारी बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है। लज्जा ये जो पुस्तक है ये तस्लीमा नशरीन की है। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली इसके राइटर हैं। फिर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय इसकी लेखिका है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इसको मैंने दोबारा इसलिए लिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो कभी पूरा नाम ना पूछ के सिर्फ पूछ देगा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, या पूछेगा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये दुर्गादास की किताब है। ये किताब नीचे जो है राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ये बिपिन चंद्रा की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको दो बार पढ़ लिया। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बिपिन चंद्रा की किताब है। और ये आज का लास्ट पेज है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको पहले भी पढ़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट है तो दो बार हमने लिया है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसके राइटर हैं पीटर हार्डी। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया इसके WC Smith हैं राइटर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC Smith। और द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इसके राइटर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। अग्नि की उड़ान या विंग ऑफ फायर ये जो बुक है वो APJ अब्दुल कलाम की है, जो हमारे क्या है पूर्व राष्ट्रपति हैं। इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की किताब है, APJ अब्दुल कलाम की। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया की किताब है, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी की है, और मैंने बताया कि इनकी सारी किताबें जितनी भी आपने देखी हैं सब इम्पॉर्टेंट है। मिड नाइट्स चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी। पॉलिटिक्स इन इंडिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं जानते तो आप बहुत ही आसान है, जानना चाहिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की बुक है। ओडिसिटी ऑफ होप देखिए एक जो है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा रचित है, लिखित है, दी ओडिसिटी ऑफ होप है ना, तो ये बराक ओबामा की पुस्तक है। सुबह आज़ादी जो बुक है वो है फैज अहमद फैज की। वन डे वंडर्स ये सुनील गवास्कर की बुक है। एक और बुक हमने इनकी पढ़ी थी रन एंड रुइंस, ये भी इनकी थी, इंपॉर्टेंट है।
अगला जो बुक है वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे आपकी बुक और राइटर पूरा कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कोई वीडियो तो लिख सकते हैं। वैसे तो मैं PCS, UPPCS और RO से संबंधित वीडियो लाती रहूँगी। MPPCS पे आपको कुछ भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं प्रोवाइड कर दूँगी उस पर वीडियो अगर आप कहेंगे तो। धन्यवाद।